जैसे मैं बिहार से हूँ सर, हाँ, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है, ये सच बात है। कहते हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है, 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है, फिर जहाँ जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भर्ती की जाती है, हमारे देश में नहीं की जाती थी, अब की जाएगी, अभी इसकी शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय है, किसी ना किसी कोने में जो है तुरंत आइए, मिनटों में वीजा पाइए के विज्ञापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं, और भारतीय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको विदेश, देश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है तो विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहत जो है बाहर चले जाते हैं, और वहाँ जाकर के जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, वो फंस जाते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसको हम लोग, इसके दो पहलू हैं। पहला तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है, जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, हाँ, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है, ये सच बात है, वरना अपना घर बार छोड़ करके क्यों आएगा कोई। पंजाब का कोई व्यक्ति तो बिहार में जाकर के धान काट नहीं रहा है, बिहार का ही लोग जाकर के काट रहा है। तो पहला मसला ये है कि अपने देश में इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरा, फिर मरता क्या ना करता, जो काम मिल जाए सर, यही हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे जो है बहुत सारी एम्बेसी है, लोग जो है 2 बजे से लाइन लगाते हैं वीजा लगवाने के लिए, 2 बजे से 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। कहते हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है, 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है, फिर जहां जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भर्ती की जाती है, हमारे देश में नहीं की जाती थी, अब की जाएगी, अभी इसकी शुरुआत हो गई है तो की ही जाती है। इसराइल का मामला अलग है, इसराइल में आर्मी में नहीं, दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेड नहीं बल्कि और दूसरे सिविलियन काम के लिए जो है भारतीय नौजवानों को अलग अलग कंपनियां जो है देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय है, किसी ना किसी कोने में जो है तुरंत आइए, मिनटों में वीजा पाइए के विज्ञापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं, और भारतीय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको विदेश, देश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है तो विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहत जो है बाहर चले जाते हैं, और वहाँ जाकर के जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, वो फंस जाते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए, अब इस बात का जवाब एक्चुअली हमारे सीनियर जयशंकर जी देते, विदेश मंत्री वो हैं, कि किस वीजा पे ये लोग गए हैं, सरकार का इस पे क्या स्टेटमेंट है। हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है। और हम आपको याद दिला दें, यही प्रचार भी तो किया गया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी और जो है मोदी जी के लिए बड़ा बड़ा प्रचार हुआ था, हर अखबार के पृष्ठ पे छपा था कि खुद से हेलीकॉप्टर चला करके गए हैं, नहीं खुद से नहीं गए थे, मतलब हेलीकॉप्टर लेके गए हैं और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ है हो जाए तो मोदी जी पर्सनली जो है उसकी मदद करते हैं। तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं कि जो है आपका यह गुण कहाँ है, हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतीय नौजवानों के साथ, देश के अंदर जो परिस्थिति है जिसके चलते उनको विदेश जाना पड़ रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। ये तो सरकार बताए कि कैसे गए हैं, किस माध्यम से गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हैं कि वर्क वीजा पे गए हैं कि टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वीजा का कैटेगरी का है, H1N1 कौन सा वीजा लेकर के गए हैं, ये तो सरकार बताएगी, हम कैसे बता सकते हैं, हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं।
कि सबसे उच्चतम स्तर पे है। सरकार की तरफ से कल आंकड़ा भी ये सामने आया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% हो गई है, क्या कहेंगे आप? 750,000 लोग जो है वो धन्ना सेठ हो गए हैं और वो खरबों में उनकी कमाई हो गई है, और किसान ने आत्महत्या कर लिया है 12,500। इसको कैसे देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है, महंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है, नौजवानों की आत्महत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है, मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, EFO, अपना ही पैसा, आपका अपना पैसा, आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है, और जब बेटी का शादी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो PF का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, GDP बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है। मतलब हम बार बार यही सवाल पूछते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, शानदार, सुंदर, लेकिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, GDP तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन है, कोई एसेट्स नहीं खरीद पा रहा है, अगर कोई एसेट खरीद रहा है तो EMI पे खरीद रहा है, तो ये GDP ग्रोथ किसका है वो देखने की बात है ना। और इसमें कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है। तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब तो हम कह सकते हैं ना कि GDP ग्रोथ अगर 7.5% हो गया है तो फिर उस वो जो मांग है इस देश के विद्यार्थियों का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो 10वां हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पे खर्च करने लगी है, लेकिन आपको मालूम है कि इस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है। तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है? MSP क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी, एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। MSP पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि MSP दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो MSP क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। GDP बढ़ा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। हिंसा कहीं भी हो, BHU में हो कि JNU में हो कि AMU में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है, किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, जैसा कि पिताजी जो है गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है? इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी, वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है BJP ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक BJD का MLA जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है, वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था, तो ये BJD का जो नेता है वो BJP के कार्यकर्ताओं पे जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम, सब बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है।
तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। हमारी बड़ा अच्छा लगा सुन करके, कांग्रेस कवर करते कितनी चिंता करते हैं आप हमारी, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है, चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं, वे 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए, इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, ले विषय कुछ और है। ठीक है कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है, ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साजिश है, लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो ज़रूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूँ कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पर चीज़ें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बिहार से हूँ और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी, गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिति होती है तो भारतीय नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम कहीं जाते हैं तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होती है स्वाभाविक रूप से, और कैंपेन भी यही किया जाता है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है, तो इस तरह से जो है आइडेंटिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है और नफरत फैलाई जाती है और नफरत का शिकार जो है वो लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत के सरकार की साजिश है, लेकिन ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। नहीं, बस मैंने समझने के लिए उदाहरण दिया है, कंपैरिजन नहीं है, दोनों की ज्योग्राफी अलग है, परिस्थिति अलग है, बस हमने समझने के लिए उदाहरण दिया। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम रूस की ही बात कर रहे हैं। सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए, भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, जहां मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं? उनको यहीं रोजगार दिलाइए, और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं, इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हों और वहां पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं? ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, और युवाओं के लिए जो ये मृतकाल चल रहा है उस मृतकाल को बंद करके ही सही मायनों में अमृतकाल शुरू किया जा सकता है।